डायरेक्ट लॉग इन करते हैं और उसमें जो भी आपकी आईडी है आप उसको ओपन कर लीजिए। इस तरीके से शो हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले होम का ऑप्शन आपको मिलेगा। होम पे आप हो, है ना। और माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो उस पे आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने कब ज्वाइन किया, क्या आपकी मेल आईडी है, मतलब कुछ सारी चीजें, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, केवाईसी डिटेल्स, ये सारी कुछ चीजें आपको आपकी पता चल जाएगी, है ना। और क्लिक हेयर टू अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम आगे आते हैं तो माई प्रोफाइल पे दोबारा जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है चेंज योर पासवर्ड का। चेंज योर पासवर्ड पे जाके आप अपना पासवर्ड भी इजीली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो आता है एफएलपी वॉलेट। एफएलपी वॉलेट में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऐड अमाउंट का एंड रिफंड अमाउंट का, है ना। तो आप यहाँ से अपना फॉरेवर का वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। एंटर अमाउंट करके जो भी आपको करना है, सबमिट करना है, आप ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एलो स्टोर, एलो स्टोर वेब फॉरेवर की वेबसाइट है जिसे आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। काफी सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। शॉप नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको फॉरेवर के एलो स्टोर पे लेके चला जाएगा। डिलीवरी एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डिलीवरी एड्रेस हैं, जो भी आपने पहले ऑर्डर वगैरह किए हुए हैं, जहाँ पे आपने 2cc का प्रोडक्ट मंगाया है, किसी को प्रोडक्ट भेजा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप एलो स्टोर पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे देखा शॉप नाउ एंड डिलीवरी एड्रेस के बाद माई ऑर्डर हिस्ट्री। माई ऑर्डर हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो आपने लास्ट ऑर्डर किया हुआ है, जो आपने लास्ट ऑर्डर किया था उसकी आप डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। किस डेट को आपने ऑर्डर किया है, किस डेट को आप, मतलब सारी चीजें फिल करके इनवॉइस यहाँ पे आप कैंसिल या जो भी सारी चीजें आपको दी गई हैं उस पे करके आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे करने के बाद फॉरेवर आपको दिखाता है कि आप फॉरेवर से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। फॉरेवर की मेन जो ऑफिस है मुंबई में, उसका एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा फॉरेवर। इसको करने के बाद विजिट अस एक काफी अच्छी पॉइंट है, काफी अच्छा एक वीडियो बनाने का भी टॉपिक है जिसपे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं। इसमें ना आपको जैसे कोई आपसे मतलब एड्रेस मांगता है, किसी भी उसका जो फॉरेवर के आरडीओ है उसका एड्रेस मांगता है, जैसे आपको भी कभी एड्रेस निकालना है, मानते हैं चंडीगढ़ का आपको एड्रेस निकालना है आरडीओ का, तो चंडीगढ़ पे क्लिक कीजिए और फॉरेवर का जो चंडीगढ़ का आरडीओ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फॉरेवर शो कर देगा। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे कि हमें लद्दाख में इसका क्या, कहाँ पे आरडीओ है, तो लद्दाख में कोई आरडीओ नहीं है, तो इसका यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिखा रहा, है ना। इसी तरीके से उड़ीसा में, अगर हम उड़ीसा पे क्लिक करते हैं तो उड़ीसा में कहाँ पे एड्रेस है फॉरेवर के आरडीओ का, जो मेन ऑफिस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लाइंस डॉक्यूमेंट, उस पर आप क्लिक करके जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ से जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कैसे हैं, आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब रिफंड पॉलिसी को भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है फॉरएवर की, इसे आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। ऐप में भी आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। काफी सारे लोग ऐप सिर्फ यूज करते हैं या तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए, या पहले हम यूज कर सकते थे आईडी बनाने के लिए, बट काफी सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि फॉरएवर में इतनी इंफॉर्मेशन भी होती है फॉरएवर के ऐप में, तो इससे आप यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिलीवरी एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, डिलीवरी की क्या पॉलिसी है, कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी है, ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर, रेट अस एंड लॉग आउट, अगर यहाँ पे आप लॉग आउट करेंगे तो आप अपनी आईडी को लॉग आउट करके दूसरी आईडी यहाँ पे साइन इन करके कुछ और भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब मेन आते हैं कि थोड़ी फॉरेवर के जो ऐप है उसको अंदर एक्सप्लोर करते हैं।
जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर करना है, काफी सारे लोगों को अभी ऑर्डर भी नहीं करना आता, तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे जो आपकी आईडी है, सबसे पहले आपको ऊपर अपनी आईडी शो करेगा, एफबीओ आईडी एंड डिलीवरी एड्रेस। उसके बाद आपको कैटेगरी मिल जाएंगी, हैंड, फैमिली, फिटनेस, हेल्थ, स्किन, इवेंट एंड ट्रेनिंग। आपको कुछ यहाँ पे कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे फॉरएवर के क्या है। अब उसके बाद नीचे आपको कुछ कैटेगरी मिलेंगी, जैसे बी प्रोडक्ट, एलो ड्रिंक, लिटरेचर एंड यहाँ पे मर्चेंडाइज आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सप्लीमेंट मिलेगा, पर्सनल केयर मिलेगा, स्किन केयर मिलेगा, वेट मैनेजमेंट मिलेगा, एग्जीबिशन किट मिलेगी, कॉम्बो। कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि किसी को 2 CC करना है तो वो पूछते हैं कि कॉम्बो कहाँ मिलेगा। कॉम्बो पे जब आप क्लिक करोगे तो फॉरएवर ने बहुत सारे कॉम्बो बनाए हुए हैं, जैसे हार्ट केयर का कॉम्बो, स्किन केयर का कॉम्बो, पर्सनल केयर का कॉम्बो। अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है ना। तो जैसे कि ये गट हेल्थ कॉम्बो, जैसे मैं फर्स्ट पे क्लिक करती हूँ, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो गट हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, किसी को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने खुद भी एक कॉम्बो बनाया हुआ है ना। अगर आप उसको कॉम्बो देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी देने हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट देने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसका सीसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1.108, मतलब 1 CC एंड 108 पॉइंट का ये कॉम्बो है। इसका नॉन वेज जो आपको लिख वहाँ पे दिख रहा होगा, नेट कॉन्टेंट जो भी है, डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरीके से हार्ट केयर का कॉम्बो, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 CC का कॉम्बो कहाँ पे है। स्टार्ट योर जर्नी पैक, सबसे नीचे लास्ट में राइट में है ना, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो अक्टूबर मंथ में हमारा 2 CC का कॉम्बो है वो अभी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे सीसी देख सकते हैं आप। कोई कोई पूछता है ना कि सीसी का मतलब, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस कॉम्बो को खरीदते हैं तो आपको 2 CC मिलेगा, मतलब 2.0 CC लिखा हुआ है तो 2 CC आपको पूरा मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद C9 कॉम्बो, जो C9 किट मैंने आपको अभी वेबसाइट में शो की थी, वो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेंगे और कितने अमाउंट का है, कितने CC का है, एड टू कार्ट करके आप C9 कॉम्बो भी खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे स्किन केयर, अब हम स्किन केयर कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपको स्किन केयर में जेल क्लींजर, मॉइस्चराइजर, फेस सीरम, एक्सफोलिएटर, जोजोबा, एलो फर्स्ट, प्रोपोलिस क्रीम, जेली, मॉइस्चराइजर, मतलब जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं है ना, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्किन केयर के प्रोडक्ट सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे सोनिया के एंड फॉरएवर के। उसके बाद पर्सनल केयर, स्किन केयर और एलो ड्रिंक, ड्रिंक में जब आप जाते हैं तो फॉरएवर की जितनी भी ड्रिंक है, स्मॉल पैक एंड जो 1-1 लीटर के पैक हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब कुछ शॉपिंग करनी है तो जो भी आपको प्रोडक्ट है आप यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, ऑप्शन पे सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये डिजायर बाय फॉरएवर परफ्यूम है और आपको ये परचेज करना है, तो अभी जो मैंने आईडी ओपन की हुई है वो 2 CC वाली है ना। तो अब जैसे कि आपको यहाँ पे WHP का मतलब होलसेल प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, तो आपको 313 रुपये का ये नहीं मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे एड टू कार्ट पे तो आपको दो ऑप्शन देता है, एक तो देता है डिलीवरी टू एंड दूसरा देता है पिकअप फ्रॉम RDO। डिलीवरी टू का मतलब है कि वो आपके घर पे आएगा, पिन कोड जो है आपका वो आपके घर तक देने आएगा प्रोडक्ट। जैसे कि मैं इसमें फिल करती हूँ और मैं फिल करके मतलब पूरा कर देती हूँ, अगर मुझे ये नहीं मंगाना, मैं किसी RDO में हूँ, जैसे दिल्ली RDO में हूँ या मेरा घर दिल्ली RDO के पास है और मुझे अपना डिलीवरी चार्ज बचाना है, तो मैं पिकअप फ्रॉम RDO करूंगी। पिकअप फ्रॉम RDO करने के बाद जिस RDO से आपको प्रोडक्ट उठाना है, जिस पे आप जाके लोगे, उस पे क्लिक कर दीजिए और आपको वहां पे मिल जाएगा। और डिलीवरी टू में करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे मैं एक पिन कोड डाल के यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दिया है। अब कार्ट आपको नीचे मिलेगा, नीचे इस तरीके से आपको कार्ट मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं कि अब जिन जो लोग नए हैं उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट 313 का लिख रहा था तो 313 का ही होगा, बट नहीं, ये प्रोडक्ट इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड होगा,
इसमें 56 रुपीज जीएसटी भी गई है और इसका सीसी वैल्यू आप देख सकते हैं 26, तो नेट अमाउंट बैठ गया 544। जो पे करोगे वो है नेट अमाउंट। अगर आपको कंटिन्यू शॉपिंग कुछ और प्रोडक्ट भी शॉप करने हैं, जैसे मुझे ड्रीम बाय फॉर एवर ये मैंने ऐड किया, अब ये मेरा कार्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं दोबारा से कार्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे मेरे तीनों प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आप क्वांटिटी को यहाँ पे हटा के अपडेट कर सकते हैं इजीली। जैसे मुझे दो परफ्यूम चाहिए, पांच चाहिए, तो पांच करके आप अपडेट कर दीजिए, वो हो जाएगा अपडेट। इसके बाद जो आपका सारा मतलब पूरा है, आपको नेट अमाउंट नीचे दिख जाएगा। अगर आप एक प्रोडक्ट भी मंगाओगे तो भी 175 डिलीवरी चार्ज लगेगा। अगर आप 20 प्रोडक्ट 30 प्रोडक्ट मंगाओगे अगर वजन के अनुसार, तो 175 ही प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज लगेगा। अगर कुछ भारी प्रोडक्ट है तो ज्यादा लग सकता है, मतलब जैसे 2 सीसी का कॉम्बो होता है उसका ज्यादा चार्ज लगता है, 350 के अराउंड। बट अगर आप कुछ हल्के हल्के प्रोडक्ट्स मंगाते हो तो 175 में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब जब हम आगे हमें चेकआउट करना है, अब हमें पेमेंट करना है, तो अब आपको यहाँ पे ऐड एड्रेस है ना, तो यहाँ पे जब आप ऐड एड्रेस करते हो तो आपको कुछ ऑप्शन भी देता है एड्रेस करने का। अब ये बिल टू एड्रेस, देखिए बिल तो वहीं पे जाएगा जिस नाम से आईडी है ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। बट अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट भेजना है, जैसे कि आईडी तो है मेरे नाम से बट मैं भेज रही हूँ मुंबई, अपने आईडी से खरीद के मुंबई भेज रही हूँ, तो मैं यहाँ पे शिप टू एड्रेस में न्यू एड्रेस डाल दूंगी। जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भेजना है वहाँ का एड्रेस डाल के कंटिन्यू कर दूंगी। अगर मुझे अपने ही पास प्रोडक्ट मंगाना है जहाँ मेरी आईडी है, तो सेट रजिस्ट ये वाला कर सकते हैं हम इस ऑप्शन को, है ना। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं और आगे का पेमेंट कर सकते हैं।